सदागत गौतम बुद्ध भगवान के प्रभुओं ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन नायक मान्य सांसू राम जी के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा में प्रभात। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी अर्पित करते हुए आज इस सभा में उपस्थित हुए ग्राम सभा वासियों को मैं तहे दिल से नमन और वंदन करता हूँ। आज हम लोग का समय कम है, लेकिन मैं विधानसभा में पूरी में ही आके खड़ा हूँ और घर घर तकलीफ मेरा परिचय है। एक आप मेरे घर के आदमी हैं और घर परिवार में सबसे समझता हूँ। मैं राजनीति में 2 साल से आया हूँ। पहले मैं नौकरी पेशे से था, लेकिन मुझे इस कार्य में विधानसभा की दुर्दशा देख कर मैंने उठाना कि मैं ये एक बार अपने बहुजन समाज की सेवा कर सकूँ। बहुजन समाज की सेवा करने में मैंने अपना तन मन 2 साल से लगा दिया है और घर घर घूम कर आलस लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे पूर्व के जो बसपा में रहते थे 40 साल से काम किए थे, लेकिन उनको निराश नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको अपना धन कमाना है, अपना स्कूल बनाना है, अपना पेट्रोल पंप खोलना है, अपना गैस एजेंसी खोलना है, अपना दारू का ठेका चलाना है। उनसे बहुजन समाज को कुछ नहीं होना देना है, क्योंकि हाथी छोड़कर साइकिल पर चले गए। अब साइकिल को आप लोगों को पंचर करनी है। साइकिल कैसे पंचर होगी ये आप लोग जानते हैं। आप जब 27 मई 2022 को अपना अमूल्य वोट देने जाए तो हाथी पर बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाए और साइकिल को आगे बढ़ने न दें, उसमें कोई न सुझाएंगे, नहीं तो कहीं और चुप जाएगी तो दर्द होगा। उनको ऐसे दर्द देना है तो जिंदगी भर दर्द से मरते रहे और ऊपर न उठ पाए, क्योंकि हमारी बहन भी को कहते हैं रास्ते से भटक गई है। अब उनका कोई मूल मंत्र नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने वाले और 10 साल से जो कि ना जीतता है उन्हीं की सरकार थी। तो पैसा ले लेकर दूसरे पार्टियों से हार जाते थे और बहुजन इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्ध।